हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी मॉड्यूल नंबर 6 का लिंक सभी को मिल चुका है। इस वीडियो में मैं आपके सामने मॉड्यूल नंबर 6 कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। इस वीडियो की हेल्प से आप अपना मॉड्यूल नंबर 6 कंप्लीट कर पाएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन प्रशिक्षण को करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, क्योंकि प्रशिक्षण को पूरा करने में लगभग 3 से 4 घंटे तक का समय लगता है। इसमें जो वीडियो आती हैं उन्हें आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, स्किप न करें। जो कंटेंट पढ़ने के लिए आता है उसको भी आप पूरा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बाद में जो प्रश्नोत्तरी होती है वो इन्हीं पर आधारित होती है। और जब आप प्रशिक्षण के बीच में कोई सेशन पूरा करते हैं तो वहाँ पर आपका समय लिखा हुआ आता है कि आपने इस सत्र को पूरा करने में इतना समय लिया है। तो मित्रों, इसलिए आप जल्दबाजी न करें, आराम से करें। 3 मॉड्यूल का लिंक आया है अभी, मॉड्यूल नंबर 4, 5, 6, और आपके पास 15 नवंबर तक का समय है। आप आराम से इनको कर पाएंगे, तो जल्दबाजी न करें। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। साथ ही मैं इनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897 66 8080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हल करते हैं प्रश्नोत्तरी। साथियों, प्रश्नोत्तरी खुल रही है, वेट करें आप। लीजिए, पहला सवाल आ गया है। पहला सवाल है, समेकित का अर्थ है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। विकल्प नंबर 2, कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। विकल्प नंबर 3, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। और विकल्प नंबर 4 है, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। तो इसका सही जवाब है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन समेकित का अर्थ है। हम इस पर टैप कर देंगे और अगले सवाल पर आगे को बढ़ जाएंगे। अरे वाह, ये तो यहाँ पर इस बार नया चीज़ देखने को मिली है। लीजिए, हमको पता चल गया है कि हमारा जवाब सही है। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। अगला सवाल, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? संज्ञात्मक क्षेत्र, सभी, भावनात्मक क्षेत्र, मनोजात्मक क्षेत्र। ध्यान से सुने, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? संज्ञात्मक क्षेत्र, सभी, भावात्मक क्षेत्र, मनोज्ञात्मक क्षेत्र। इसका उत्तर है सभी। सभी पर टच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लीजिए, इस सवाल का जवाब भी हमारा सही हुआ। अगला सवाल, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? के अनुलाभव के लिए गतिविधियां, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला प्रतियोगिता की भावना। तो सही जवाब है अनुलाभव के लिए गतिविधियां। इस पर टैप कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। लीजिए मित्रों, इस सवाल का जवाब भी सही निकला। अगला सवाल, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा का समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया सकता है। पहला विकल्प है संभव नहीं है, दूसरा विकल्प है केवल एक अवधारणा में, तीसरा है सही और चौथा है गलत। तो इसका जवाब है सही। लीजिए, इसका जवाब भी सही है। अगला प्रश्न, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? पाठ्य पुस्तक से नकल करना, अनुभव आधारित अधिगम,
रटकर याद करना, सही उत्तर लिखना। सही जवाब है अनुभव आधारित अधिगम, ये भी सही निकला। अगला चलते हैं नेक्स्ट। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परंपरागत कला, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, परीक्षा की एक पद्धति और लोक कला। सही जवाब है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। लीजिए ये भी सही है, नेक्स्ट कर देते हैं। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है, गलत, केवल एक अवधारणा में, और चौथा विकल्प है सही। तो इसका जवाब है विकल्प नंबर दो, गलत। नेक्स्ट कर देते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? पहला विकल्प है नृत्य, संगीत, चित्रकला और स्वाभिनय। इसका सही जवाब है चित्रकला। नेक्स्ट करते हैं, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियां उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? पहला विकल्प है पानी की ध्वनि, हवा की ध्वनि, आग की ध्वनि और चौथा विकल्प है बारिश की ध्वनि। विकल्प नंबर चार इसका सही है, बारिश की ध्वनि। नेक्स्ट, विशेष जरूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? पाठ को याद करवाकर, लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज में पढ़कर। सही जवाब कला समेकित शिक्षा, ये भी सही है। नेक्स्ट करते हैं। लीजिए मित्रों 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10x10 आपके आ गए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।